अनुराग कश्यप एक इंडियन डायरेक्टर, राइटर, एडिटर, प्रोड्यूसर और एक्टर भी हैं। अनुराग कश्यप ने 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अनुराग कश्यप को 2013 में गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस से नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स का भी अवार्ड मिला था। आज बॉलीवुड में अनुराग कश्यप जिस मुकाम पर हैं, ये उन्होंने खुद अपनी मेहनत से हासिल किया है। दोस्तों अगर आप अनुराग कश्यप की बायोग्राफी के बारे में जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से अनुराग ने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत करके ये मकाम हासिल किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको अनुराग कश्यप की लाइफ स्टाइल दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप अनुराग कश्यप के फैन है तो इस वीडियो को कर दें लाइक। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी बायोग्राफी के बारे में। अनुराग का रियल नेम अनुराग कश्यप है। प्रोफेशन से एक फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और एक्टर भी हैं। अनुराग कश्यप का जन्म 10 सितंबर 1972 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और 2020 के हिसाब से 48 ईयर्स के हैं। अनुराग कश्यप ने अपने स्कूल की पढ़ाई ग्रीन स्कूल देहरादून से की है। अनुराग को साइंटिस्ट बनने का बहुत शौक था, इसलिए वो दिल्ली चले गए और इन्होंने जूलॉजी का कोर्स किया हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी दिल्ली से। बात करें इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट। अब बात करते हैं अनुराग कश्यप के करियर के बारे में। अनुराग कश्यप जब मुंबई में आए थे तब उनके पॉकेट में सिर्फ 5,000 रुपए थे और जब तक अनुराग कश्यप काम ढूंढते रहे तब तक उनके ये पैसे भी खत्म हो गए। उन्हें कई दिनों तक बीच के किनारे पे बेंच पे सोना पड़ता था। फिर बड़ी कोशिशों के बाद अनुराग को पृथ्वी थिएटर में काम मिला, पर उनका पहला ही प्ले अधूरा रह गया क्योंकि उस प्ले के डायरेक्टर का देहांत हो गया। 1997 में अनुराग ने हंसल मेहता की फर्स्ट फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा जिसका नाम था जयते, और साथ ही साथ इन्होंने टीवी सीरियल कभी कभी के भी एपिसोड लिखे। 1998 में राम गोपाल वर्मा ने अनुराग को हायर कर लिया स्क्रिप्ट लिखने के लिए अपनी फिल्म सत्या के लिए। उसके बाद 1999 में अनुराग ने फिल्म कोन और शोल का भी स्क्रिप्ट लिखा, और इसी साल अनुराग ने टेलीविजन पे एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की जिसका नाम था लास्ट ट्रेन टू महाकाली। 2001 में अनुराग ने अपनी डायरेक्शन में डेब्यू किया क्राइम थ्रिलर फिल्म 5 से, लेकिन ये फिल्म किसी कारण रिलीज ना हो सकी। 2004 से लेकर 2006 तक अनुराग कश्यप ने कई सारी मूवीज के डायलॉग्स लिखे जिनके नाम है पैसा वसूल, मानी रतम योवा, मैं ऐसा ही हूँ, मिक्स डबल और कैनेडियन फिल्म वाटर। 2009 में अनुराग की 2 मूवीज रिलीज हुई, पहली देवडी जिसने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन किया और दूसरी गुलाल। अनुराग कश्यप ने कई सारी मूवीज को प्रोड्यूस भी किया है जिनके नाम है शैतान, चिट्टागोंग, आया लव, शिव ते चिकन खुराना, शॉर्ट्स, मसान, उड़ता पंजाब। अनुराग कश्यप की प्रोडक्शन कंपनी का नाम अनुराग कश्यप फिल्म्स है। अनुराग कश्यप कई मूवीज में केमियो के तौर पे नजर आ चुके हैं जैसे कि ब्लैक फ्राइडे, नो स्मोकिंग, तेरा क्या होगा जॉनी, लक बाय चांस, देव डी, गैंग ऑफ वसीपुर, मुंबई वेलवेट, तृष्णा, हैप्पी न्यू ईयर। और दोस्तों अब इनकी आने वाली फिल्म का नाम है एके वर्सेस एके। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अनुराग कश्यप की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है। चले अब बात करते हैं अनुराग कश्यप की फैमिली के बारे में। तो इनके फादर का नाम प्रकाश सिंह है जो के चीफ इंजीनियर थे। इनके एक ब्रदर भी है जिसका नाम अभिनव कश्यप है, और इनकी एक सिस्टर भी है जिसका नाम अनुभूति कश्यप है जो कि अनुराग के साथ कई सारी मूवीज में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुकी हैं। अनुराग कश्यप ने 2003 में आरती बजाज से शादी की, लेकिन फिर 2009 में इन दोनों का डिवोर्स हो गया। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम आलिया कश्यप है। अनुराग ने 2011 में फिल्म एक्ट्रेस केलकी कर्चन से शादी की और फिर 2015 में इनका भी डिवोर्स हो गया, और अभी करंटली अनुराग कश्यप की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम शुभ्रा शेट्टी है। अब देखते हैं अनुराग कश्यप रहते कहां पर हैं। तो मैं आपको बता दूं, अनुराग कश्यप अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहते हैं जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं इनका घर। वहीं बात करें इनकी कार कलेक्शन के बारे में, तो इनकी फर्स्ट कार है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जिसकी कीमत 24.33 लाख रुपीज है, और सेकंड कार है हुंडई क्रीटा जिसकी कीमत 17.32 लाख रुपीज है। वहीं इनके पास टाटा हैरियर भी है जिसकी कीमत 20.30 लाख रुपीज है, और इसके अलावा इनके पास BMW X5 भी है जिसकी कीमत 1.94 करोड़ रुपीज है। अब बात करते हैं इनकी इनकम के बारे में। तो दोस्तों इनकी मंथली इनकम 6 करोड़ रुपीज है। वहीं बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में, तो इनका नेटवर्थ है 806 करोड़ रुपीज। तो दोस्तों ये थी अनुराग कश्यप की लाइफ स्टाइल वीडियो। अगर आप अनुराग कश्यप के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दें लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से सेलिब्रिटी पे चाहते हैं।